हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल हैव सॉल्व द होमवर्क क्वेश्चंस। इन इंटरनेशनल सिस्टम वाइज यू हैव टू राइट इन वर्ड एंड रीडिंग, ओके एंड कॉमर्स। चेक योर आंसर्स हियर। सी हियर, ए बी सी एंड डी, ए एंड बी वी हैव सॉल्व, सी एंड डी गिवन टू यू इन होमवर्क। चेक योर आंसर, इज इट करेक्ट और नॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.2। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज नंबर 1.2 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके इज इट यस ना ओके अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days। कितने दिन के लिए हुआ बुक एग्जीबिशन? 4 days इन अ स्कूल। The number of tickets sold at the counter, number of ticket sold at the counter on the first day, second day, third day and final means fourth day was respectively, respectively का meaning क्या है? जो first number दिया है वो first day के लिए, second number दिया है वो second day के लिए, third number दिया है वो third day के लिए और fourth number दिया है वो फोर्थ डे के लिए। उसको आपको लाइन में लेना है, उसको रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। वी आर लर्निंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 3, 4, 5 दैट एनी क्वेश्चन दे आर आस्किंग फॉर टोटल, व्हाट वी हैव टू डू, इट इज एडिशन। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, एडिशन। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस। Number of ticket sold on first day is equal to 1094. Number of tickets sold on second day is equal to 1812. Number of tickets sold on third day is equal to 2050. And number of tickets sold on fourth day is equal to 2751. और हमें क्या मांगा है उन्होंने आंसर में? Total tickets sold on these 4 days means total ticket sold इज इक्वल टू इसका एडिशन। ओके, तो एडिशन स्टार्ट करते हैं। 4 + 2 = 6 + 0 = 6 + 1 = 7। ओके, दिस इज 7। नाउ नेक्स्ट इज 9 + 1 = 10 + 5 = 15 + 5 = 20। तो 0 ईयर एंड 2 कैरी। Now 2 + 8 = 10, 10 + 7 = 17, so 7 here and 1 carry. 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7. Okay, so your answer is 7,707 tickets sold on this all the 4 days. Okay, चारों दिन में टोटल कितने टिकट सोल्ड हुई? 7,707. So next question is question number B. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in a test match. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? शेखर जो है वो फेमस क्रिकेट प्लेयर है, उसने अभी तक मीन्स बहुत जल्दी 6,980 रन कर दिए है उसने 6,980 रन टेस्ट मैच में उसने कर दिए है ऑलरेडी। बट उसकी विश थी कि मुझे 10,000 रन करने हैं। किसने कितने करने हैं उसको? 10,000। तो अगर उसको उसकी विश पूरी करनी है तो 10,000 रन पूरे करने के लिए अभी और कितने रन करने पड़ेंगे, मींस कितने और रन उसको करने पड़ेंगे? 6,980 उसने कर लिए हैं और 10,000 तक जाना है, तो कितने करने के बाकी है, मींस कितने करने पड़ेंगे और भी? ओके, तो हमें वो नंबर कैसे मिलेगा? एनी आइडिया क्या करेंगे? 6,980 उसने रन कर लिए है ऑलरेडी डन, उसको टोटल करने हैं 10,000। कितने? 10,000।
तो 6980 से 10,000 के बीच का जो गैप है, मीन्स डिफरेंस, जो डिफरेंस बाकी है, उतना उसको स्कोर करना पड़ेगा तभी वो 10,000 तक जा पाएगा। 6980 पे वो है और 10,000 तक उसको जाना है, तो बीच में जितने रन करेंगे उसने रन उसको करने पड़ेंगे तभी वो 10,000 पे पहुंचेगा। तो बीच के रन फाइंड करने के लिए, वो गैप फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। ओके, सो लेट्स ट्राई सेकेंड क्वेश्चन। उसको रन्स टोटल अचीव, मीन्स उसको कितने पूरे करने हैं? 10,000। ऑलरेडी उसने रन स्कोर कितने कर लिए हैं? 6,980। उसका फाइंड क्या करना है हमको? डिफरेंस। क्या फाइंड करना है? डिफरेंस। ओके, सो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 8, 0 कट 10, ये 0 कट 9, ये 0 कट 9, और ये 1 कट 0। ओके, ये 9 है। 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनus 6 3, एंड 0 माइनस 0 0। सो आंसर इज 3020 रन। 3020 रन जब करेगा तो उसके टोटल कितने हो जाएंगे? 10,000। उसने ऑलरेडी 6,980 कर लिए हैं, अभी वो 3020 रन और करेगा एक्स्ट्रा, तो टोटल उसके रन कितने हो जाएंगे? 10,000 रन उसकी विश फिनिश पूरी हो जाएगी। ओके, आया समझ में? नाउ क्वेश्चन, जैसे इसमें लिखा है, आपको ये मैनर दिख रहा है ना कैसे लिखा हुआ है, इसी तरीके से, इसी टाइप से आपकी नोटबुक में आपको ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और क्वेश्चंस भी लिखने हैं, फुल क्वेश्चन। ओके, फुल क्वेश्चन, फिर नीचे एरो करके आपको ये पूरा आंसर, जैसे इसमें लिखा है यहाँ पे साइड में, ये जो डेटा लिखा है यहाँ पे, जो सब्ट्रैक्शन किया है साइड में, लाइन टू लाइन लिखा है, देखो ऐसे ही आपको लिखना है और आंसर, और लास्ट में ये लाइन भी लिखनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। In an election, the successful candidate register 577,500 vote, and his nearest rival secure 348,700 vote. By what margin did the successful candidate win the election? Election में जो जीता है उसने कितने score किए हैं? जो जीता है ऑलरेडी इलेक्शन में उसने 577,500 वोट किया है, और जो सेकंड नंबर पे आया है इलेक्शन में उसने कितने वोट लिए हैं? वोट उसको कितने मिले हैं? 348,700। तो दोनों के बीच में बाय व्हाट मार्जिन, दोनों के बीच का मार्जिन, मार्जिन किसको बोलते हैं? डिफरेंस, मीन्स दोनों दो वैल्यू हो उसके बीच का नंबर जो होता है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों वैल्यू के बीच में मार्जिन मीन्स गैप, डिफरेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। व्हाट वी विल डू दिस? सब्ट्रैक्शन, मार्जिन फाइंड करना है। तो थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। सक्सेसफुल मीन्स जो विनर है उसने कितना स्कोर किया है? 577,500। नंबर ऑफ वोट सिक्योर बाय हिज नियरेस्ट रिवल मीन्स जो सेकेंड नंबर पे आया है उसने कितना स्कोर किया है? 348,700। मार्जिन बिटवीन देम मीन्स डिफरेंस, गैप, बट ये दोनों का गैप तो फाइंड करना है, पर ऊपर कौन सा नंबर आपको लिखना है, नीचे कौन सा लिखना है, ये अगर अभी भी आपको नहीं पता है तो एक बार और फिर से सुन लो कि कोई भी नंबर का आपको डिफरेंस सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है तो दोनों नंबर में से जो नंबर बड़ा है, बिग नंबर, उसको आप ऊपर रखो और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको आप नीचे रखो, फिर उसका सब्ट्रैक्शन करो। ओके, स्मॉलेस्ट में से बिगेस्ट कभी माइनस नहीं होता, तो हमें बिगेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करना है। तो बिगेस्ट जो है वो सक्सेसफुल विनर का है, और जो लोएस्ट जो है वो किसका है? सेकंड नंबर पे जो आया है उसका है स्कोर, है ना? अभी ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। चलो स्टार्ट इट सब्ट्रैक्शन। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 7, इज इट पॉसिबल? नो, सो 5 कट 15 एंड 7 कट 6। ओके, सो 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8, 6 माइनस 8 इज पॉसिबल? नो, सो 6 कट 16, 6 कट 16 और 7 कट अगेन 6, सो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू, सॉरी 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8,
Again 6 minus 4 is equal to 2. Okay. 6 minus 4 is equal to 2. And 5 minus 3 is equal to 2. ये subtraction आपको खुद से भी करना है. Okay. एक बार फिर से करके दिखाती हूँ. 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. 5 minus 7, not possible. So 5 cut 15. 7 cut 6. Okay. So 15 minus 7 is equal to 8. 6 minus 8 is not possible. So 6 cut 16. And 7 cut 6. So 16 minus 8 is equal to 8. And 6 minus 4 is equal to 2. And 5 minus 3 is equal to 2. Okay. So your answer. Margin kya hai? Margin between them. 2,28,800. Therefore, the successful candidate won by a margin of 2,28,800 watts. Okay? This is your answer. We will see, I am giving you one homework question. Question number 4. In your exercise number 1.2. Kirti Bookstore sold book worth rupees 2,85,891 in the first week of June. And book worth rupees 4,768 in second week of the month. How much was the sale for 2 week together? Together means kya karna hai uska addition. Dono ko saath mein means uska addition. To aapko iska addition find karna hai aur total answer find karna hai. Okay, ye dono number ka sale for sirf addition, lekin saath mein data likhe. First week of June, second week of June, aur fir uska addition aur fir jo answer aaye wo aapka answer. Is manner mein aapko is fourth question solve karna hai. This is your होमवर्क. ओके, जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसके पास बुक ऑलरेडी है वो बुक में से देख के क्वेश्चन देख लेना. ओके.